चाहिए एक और एक चाहिए कब चाहिए और कब चाहिए चाहिए एक और एक चाहिए कब चाहिए और हम बेसबर ना है तुझको खबर रख पिच पे नजर चल उड़ा दे जिगर के फिकटे गिरे गिरे फिल फॉर कब चाहिए चाहिए एक और एक चाहिए कब चाहिए और तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा रिश्ता है बड़ा वाइटल 1992 में उठाया था टाइटल बात पुरानी फिर से है दोहरानी और सबको सुनानी वही जीत की कहानी बोलो एक दूनी दूनी तो दो दूनी फोर कब चाहिए चाहिए एक और एक चाहिए कब चाहिए और बॉलिंग लाइन फिट है बैटिंग भी हिट है ग्रीन अपनी किट है स्टाइल तो लिट है चल हट चल कर चल रास्ता बना हमसे न टकरा हो जाएगा तू तबाह तुझे समझ ही नहीं आएगी कि हुआ है ये क्या टट्टर बंद कर चल रास्ता पकड़ मन चलो का शोर है काबिले गौर जैसे शेर की रोर तू हराएगा हमें अबे ना कर बोर कब चाहिए चाहिए एक और एक चाहिए कब चाहिए और कब चाहिए और एक चाहिए कब चाहिए और सबसे पहले नौजवानों पाकिस्तान के जीत का जश्न मनाएंगे ओके मैं पिछले ही जा पैन लगा सी और सलाम को वेलकम टू पब्लिक डिमांड एशिया कप 2023 स्पेशल उठा दे गेम सईद भाई हमारे साथ मौजूद है जनाबे मन लेजेंडरी मैजिशियन हमारे साथ मौजूद है सईद भाई के साथ हमारा वैसे भी बड़ा पुराना ताल्लुक भी है तारुफ भी और एक और डाखाने भी मिलते हैं साढ़े दोनों ये बात वेलकम टू पब्लिक डिमांड सर थैंक यू बहुत शुक्रिया रियली गुड टू सी यू सर थैंक यू इसी बहाने आपसे मुलाकात हो गई कभी ग्राउंड्स में मुलाकात होती है आपसे और अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं होती फिर आपके प्रेशर में हमसे ये तो बड़े बड़े से नहीं होती वो देखा की पर्दा रखे हैं अपने कर वो सेम शहर होता ना बिल्कुल ऐसा रखे है आप भी सारी बातें उन्हीं से कर रहे हैं एक शहर तो डोमिसाइल की बने तो आड़े तुसी ते शोक ही हो गए असी बैठक खुलवा लेंगे दोवें वैसे आप प्लीज टाइटल सॉन्ग बहुत अच्छा था थैंक यू देखिए तीन तीन आपके शो में गेस्ट है हमें भी चाह था कप चाहिए और चाहिए कप चाहिए और आपको याद हो गया यस क्या बात है टंग ट्विस्टर था ये वैसे मसला क्या है तुम्हारे शहर के ना जब मैं भी तुम्हारे शहर का कराची का हूँ यार ये ना कर ये भी है वैसे अच्छा मेरा मैं अजीब मतंजन जी हूँ वैसे वाकई अद्दा मैं फैसलाबाद अपर बॉडी कराची दी आज के शो में हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनमें हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर मौजूद हैं महदा थैंक यू सही नाम लिया ना मैंने आपका मैं हमेशा गलत देता हूं मैं बड़ी बड़ी औखा में पहुंची हूं इस नाम तक बहुत अच्छा नाम है महदा कर ले साजना थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस और आज हम इनसे बहुत से सवाल करेंगे प्रेडिक्शंस करवाएंगे और देखेंगे कि कितनी दुरुस्त होती है इनकी प्रेडिक्शन फिर कल रल के क्लास गलत हुई प्रेडिक्शन नहीं इसकी प्रेडिक्शंस कभी गलत नहीं होती क्योंकि ये बहुत अच्छी नाइस लड़की है प्रेडिक्शन भी ठीक है और प्रेडिक्शन करने तो बाद पौना पौना घंटा रोंदी रहती है कि या अल्लाह मेरी इज्जत रख ले और उनके साथ तशरीफ फरमा है मिस वर्ल्ड उर्वशी साढ़े मुंडे नु लभदी आ गई इत्थे नसीम शाह का नंबर है सर आपके पास है ओह माय गॉड तुसी दोगे नहीं दे वो कहेंगे मैं अपने होंदे तेनु नंबर क्यों दवा ये कौन है कौन है ये उर्वशी रोटीला जी हम लोगों को भूख लगी रोटीला जल्दी से अच्छा आपने बताया तो मुझे कंफर्म हुआ है कि ये मिस वर्ल्ड है मैं समझ रहा था कि इसके अलावा कुकड़ जीते आए और बाबा एक क्रिकेट हमारे साथ मौजूद है जॉनसा साहब जी जॉनसा सर कैसे आप अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ आप सुनाएं फर्स्ट ऑफ ऑल जॉनसा बाबा क्रिकेट Thank you so much for joining us. Legendary मियादाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं सर कैसे मजाज अल्लाह का शुक्र है जब से छक्का मारा है ना बस उस दिन से धर्म बहुत मिले मुझे और धर्म मिलते ही जेब गर्म हो गया मेरा नहीं नहीं वैसे भी मुझे लगता है कि छक्का मारना बुरी बात है मुझे तो मना किया ये बातें करने को खुद कर जाए जॉनसन जावेद भाई जी जी हमारे साथ तारुफ करवाने दे मुझे इनका वो बेचारी एडी महंगी विग लाके बैठी है ये विग नहीं मेरे अपने स्टाइल है मैं हमेशा से ऐसे ही करती हूँ कुछ सियासतदान औरतें भी मुझे कॉपी करती हैं रियली जो अब पार्टीज वगैरह छोड़ गई हैं लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी का इट्स ओके इट्स ओके तो आज का मैच देखा आपने यस देखा मेरा तारुफ तो करवाओ कि बड़ी फेमस कमेंटेटर है और कैसी हो थैंक यू बहन ठीक हो तुम हाँ चलो ठीक है तुम्हारी तरफ से बहन ही ठीक है क्योंकि आज मेरा टारगेट आप नहीं हो कौन है सईद ओह गॉड मेरी जगह ले ली सईद भाई ने जी मैं काफी टारगेट मुश्किल अचीव किए
और प्रेशर में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं सईद भाई। बिल्कुल। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का ये खास मैच जो है वो सईद अजमल साहब के साथ खेला जाएगा। सईद भाई, सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो हमारी टीम की जीत, पहली फतह, पहला मैच कैसा कैसा लगा आपको? अच्छा परफॉर्म किया लड़कों ने, बड़े अच्छे मार्जिन से जीते हम। देखें, सबसे अच्छी बात पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने ऊपर से बैटिंग हल्की की, नीचे से जहां मिडल में हमें मुश्किल है वहां पाकिस्तान ने परफॉर्म किया लाइक इफ्तिखार। बिल्कुल यस। मैं आपको एक बात बताऊं, 2019 के बाद किसी भी बैटर ने मिडल ऑर्डर में पहली सेंचुरी बनाई। वो ये मेरे लिए ये बहुत बड़ा क्रिकेटिंग फैक्ट बताया आज आपने हमें, क्योंकि हमारा मिडल ऑर्डर हमेशा से डिस्टर्ब रहा है। बिल्कुल। कभी वो उस तरह से वो पुख्ता नहीं रहा, तो आज हमने वो भी तारीफ रकम कर दी, शुक्र है ना, शुक्र है। चलिए, आज से चाचा ने आज बहुत एनर्जेटिक इनिंग खेली। चाचा नहीं कहते, चाचा सॉरी इफ्तिखार ने, इफ्तिखार अरे वो इंग्लिश वाला चाचा कह रहा, चाचा चाचा करू मैं वो चाचा। ओके, सो आज का जो हमारा पहला सवाल है वो थोड़ा हम जरा कानून इस तरह पढ़ना है थोड़ा जा कि आज दे मैच दा सिकंदर कौन सी तुम्हारे ख्याल से? सिकंदर तो उन्होंने टीम से जिन्होंने मार खाती बाद मिडल से। नहीं, हमारी हमारी तरफ से जो विजेता फतेह जिसने हमें दिलाई, इफ्तिखार। इफ्तिखार भाई आपको लगता है? अब बाबर भाई नहीं लगते आपको? वो आराम धीमे धीमे इफ्तिखार ने मारया थल्ले जाके। ठीक है, तो इफ्तिखार भाई जो है वो 109 रन बनाकर, है ना, और उन्होंने कुछ 77 बॉल खेले। एग्जैक्टली, यस, बिल्कुल ठीक। पोरस कौन था? वो आपको क्या लगता है जॉन्टी रोड्स का खिताब किसको मिलना चाहिए? जिसने रन आउट किया पहला इमाम अल्हक को, उसका नाम मुझे सॉरी मैच देखने का मौका नहीं, मैं टीवी में बैठा हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स। अच्छा, वैसे हाँ, सईद भाई का भी वैसे बड़ा हौसला है, सुबह से आप लोगों के साथ है और हमारे इस पैनल पे मौजूद हैं पब्लिक टीवी के और पब्लिक न्यूज पे, सुबह से ये तशरीफ फरमा थे और अब तक बहुत ड्रेन्ड हो चुके हैं। 9 बजे घर से निकला था। ओए, वाओ। और कंटिन्यू अभी सिर्फ शर्टा बदल रहे होते आ रहे हो वापस। बल्कि तो कल तो ना 7 बजे करो निकलना, पहले अखबार सुटनी फिर लाइव। मैं 4 दिन और लेटा, मैं वैसे करो निकल जाना। उन्होंने कहा उठ ही रहो तुसी, पीछे थोड़ा बिस्तरा पा। ओके, सब जो मैन ऑफ द मैच हमारे हुए हैं बाबर आजम साहब हुए, इफ्तिखार भाई हुए, एक्चुअली नहीं बाबर भाई, बाबर आजम हुए, उनकी फॉर्म को देखते हुए आपको लगता है कि वो निगरान मैन ऑफ द मैच हैं या वो आगे भी कंसिस्टेंट रहेंगे परफॉर्मेंस में? मेरा ख्याल है उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए दुनिया बड़ी परेशान है, है ना। हाँ, वो जिस तरह कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है ना, उसने सेंचुरी नंबर 18 की है और माशाल्लाह अल्लाह उनको नजर ना लगाए, आमीन आमीन, बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत मजेदार उसने बैटिंग की है। अब देखिए, स्टार्ट उसने बड़ा स्लो लिया है, हाँ जी, हाँ। उसके बाद जैसे आपने वो सॉन्ग गाया ना, वो बाद में ऐसे खेला है। वाह वाह, बाद में उन्होंने पेस पकड़ ली, बहुत अच्छे। अच्छा, आज की बैटिंग का मौला जट कौन था? इफ्तिखार। इफ्तिखार, इफ्तिखार भाई के लिए यार एक भरपूर ये बात, क्या बात है, वेल डन, वेल डन, कोई शक नहीं, मजा है। बॉलिंग का नूरी नत किसको कहेंगे आप? बॉलिंग का उसमें शदाब है और चार आउट, चार विकेट उन्होंने ली, बिल्कुल शदाब भाई ने चार विकेट, दो दो, मगर मैं नूरी नत उसी को कहूं, शाहीन को, जो स्टार्ट ही आते है ना ऊपर से दो विकेट, वो भी हमारे बॉय को नजर नहीं लगनी चाहिए, वो भी इतने कंसिस्टेंट है कि पहली ओवर में विकेट लेना तो उन्होंने आदत बना ली है। देखिए, इसका बेसिकली आपको पता है कि पिछले 4 साल में पाकिस्तान के पेसर ने दुनिया में सबसे ज्यादा आउट की। वाओ, फास्ट बॉलिंग, क्या बात, स्पिनर में बांग्लादेश ने आउट किया, बट पेस बॉलिंग में हमारा बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना हुआ है। इसमें हमारे दो नए बॉल से बॉल करने वाले नसीम और शाहीना, वो ऊपर से पकड़ लेते हैं, नीचे है, नीचे से वो हारिस, क्या बात है, क्या बात, नसीम का नाम बार बार ना लें, उन्हें कुर्सी तो जा पड़े, उपजारी इंडिया तो तुरी ही है, इंडिया से चली हुई नसीम के पीछे, आए हमारे इधर तो बसों के पीछे लिखा होता है नसीम अपना अपना, वो नसीम होता है। आप कहाँ की एंकर हैं, कहाँ पे आपने कमेंट्री की? नसीम चले उसके लिए तो नसीम ही अप्लाई करता है। मुझे एक बात बताएं, आपने कभी वैसे हमारे जॉनसा सर के लिए कमेंट्री की है इनकी बैटिंग पे? नहीं, मुझे बचा लिया अल्लाह ने इस बात से। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये मुझसे सीनियर है ना, ये पहले ही आके मेरा ख्याल है रिटायर हो गए ने, मेरी बारी अब आई है। वैसे ये रन आउट भी बहुत होते हैं मियां दाद साहब, नहीं इनके यहाँ की शर्त लगी होती है कौन ज्यादा रन आउट होगा, और जीता वो था अपना इंडिया का कौन? वो राहुल द्रविड़। नहीं नहीं, वो जो गंजे से, क्या नाम है, कामली। वैसे अल्लाह माफ करे, आपके ये वाले गेस्ट की ऑडियो कैसी है? निंदर च बंदा इंज बोलता, मोचा बांझ काजो, मोचा बांझ काजो।
फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बारे में जो भी बात करनी है मुंह से च्युइंगम निकाल के करनी है। ये पैजैसे च्युइंगम है ऊपर है। लेकिन आपके लिए ये परफेक्ट पिच है एनसी भाई, इसमें आप कभी आउट नहीं होंगे। मैं रन आउट नहीं होऊंगा कभी। आप सब प्लीज नसीम के बारे में बात करें ना। अच्छा जी, आपके लिए एक अलग शो हम रख लें, डिजाइन कर लें। आप सईद असबल साहब को गौर से देख नहीं रही आप? मुझे तो हर चेहरे में नसीम ही नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छे भाई। मतलब क्या है, आपको छह नसीम नजर आ रहे हैं? अगर हमारी टीम में वैसे छह नसीम हो जाए हमारे तो आप कह रही है ना हर चेहरे में नजर आ रहे हैं, बारे न्यारे हो जाएंगे। इनके मुंह में भी नसीम नजर आ रहा है ये। ये, नहीं ये उनके चेहरे पे आ रहा है मुश्किल है। दो आ रहे मतलब मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ कि नसीम कब आएंगे, ये सब यहाँ है। अच्छा, अगर असल वाला नसीम नहीं मिलता तो इसको आरे पे ले जाएं। उसे चीर के बीचों फ्रेश जे नसीम कट देने तो ऐसी बात मत करे फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा सईद, मुझे ये बताएं जी, जॉनसन मेरे अलावा क्रिकेट में किसकी कप्तानी में खेल का आपको मजा नहीं आया? नहीं, आपकी कप्तानी के अलावा तो किसी को नहीं आया। रियली? अच्छा, एक चाहिए मेरे पास। नहीं नहीं नहीं, मैं सईद भाई को आड़े हाथों लेना चाहता हूँ यहाँ पे। सईद भाई, आपने आज दोपहर को मिसबा भाई का नाम लिया। वो तो मेरी मजबूरी है। ओके, आपको क्या लगता है आज का जो मैच था उसके चाहत फतेह अली खान कौन थे? चाहत फतेह अली खान, समझ रहे ना आप मेरी तकलीफ, समझे पहले तो। वो 90 रन वाला जिसने 90 रन दिए खाए हैं। हाँ नहीं, उसकी चाहत तो चली गई है ना। मुझे लगता है उसकी क्रिकेट खेलने की चाहत मर चुकी है। जिसने लास्ट 10 ओवर किए ना, उन सब की चाहत उसी में डूब गई थी। 145 समथिंग 10 ओवर में पाकिस्तान ने किया है। मेरी तो ख्वाहिश है चाहत फतेह अली खान कभी पाकिस्तान आए, मैं मोटरवे के सेंटर में खड़ा करके उससे गाना सुनूं ते बाई व्हीलर नु कवां दाद देंदा लंग जा। बाल बाल तो इनके ले लिए उन्होंने, है ना। वैसे बाकी लग रहे चाहत भाई ने रंगा लेने बाल। नहीं, उसका तो आगे देखा नहीं, वेड़ा ही सारा नंगा है। अच्छा, तो बेचारे ने गाया भी नहीं और सर बिल्कुल फ्राई पैन जैसा हो गया उसका। ते ओदे नाल मेरा ख्याल है जेल च कपड़े इस्त्री कर ली। और इसने नफरत करा दी पूरी दुनिया को। सही भाई, इतनी बुरी चाहत मैंने कभी नहीं, है ना, किसी मुझे लगता है उनकी चाहत किसी को भी नहीं है। और वो कह रहे हैं कि मुझ पे फरेफ्ता हैं खवातीन। वैसे आप पे कितनी खवातीन फरेफ्ता हैं सही भाई? अभी देख रहे निशोते आनंद, कभी गौर नहीं किया वैसे। रियली? बहुत शराफत से नीवे नीवे, बड़ा नीवे नीवे। लड़कियां जो मेरे नहीं सुनो तो सही, कह रहे थे दाव नहीं लगा कभी। और सर लड़कियां मेरे पे बहुत मरती थी, जो नहीं मरती थी मैं घर जाकर मार जाता था। ग्राउंड में भी कुछ मर जाती थी। हाँ। इनकी खातिर तो लड़कियों ने अक्सर ब्लेड मारी हुई है अपने पीछे। हाँ। दिखाएं जरा इनके पीछे लगी। अपने जुवेद भाई, आपका तो नाम भी पीछे से काट दिया उन्होंने, ब्लेड मार। अच्छा ओके सईद भाई, आज के जो मैच के हवाले से अगर हम देखें तो वो जो परफॉर्मेंस है ना, मेरा दिल ये, यानी ना किस परफॉर्मेंस किसकी रही आपके ख्याल में? इसमें वो बदनसीब तो वही रहा जिसने सबसे कम स्कोर बनाया, जिसमें इमाम अल्लाह रन आउट हो गया, हालांकि चांस उसका 100 बनाने का था ना। हाँ इमाम भाई को इतना कंट्रोवर्शियल क्यों पोर्ट्रे किया जाता है वैसे? नहीं नहीं, वेरी गुड, जस्ट आस्किंग। नहीं, ये गलत बात है, है ना? उसने जो परफॉर्म किया वर्ल्ड रैंकिंग में सेकंड थर्ड पे, हमारे टॉप तीनों प्लेयर हैं, तो इसमें हर प्लेयर हर मैच में परफॉर्म नहीं करता। एग्जैक्टली, यस। आज इफ्तिखार ने किया है, कल कोई और होगा। कल अगर बाबर ने किया, वो तो मैं नहीं कहूँ कोई और होगा, बाबर ही करता इंशाल्लाह। तो वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, पर मैच विनिंग उसको कहते हैं जो हर सेकंड मैच में उसकी परफॉर्मेंस मैच विनिंग परफॉर्मेंस, क्या बात, मैन ऑफ द मैच हो या ना हो, बट कंसिस्टेंट ऊपर नीचे। अब जैसे आपका नसीम है, शाहीन है, आरिस है, हमारी माशाल्लाह फास्ट बॉलिंग 140 प्लस पे बॉल करते हैं। आज उन्होंने तो उनके नेपाल को तो पता ही नहीं चला हुआ क्या हुआ क्या उनके साथ। ये अच्छा, अफगानी टीम को हम पे क्या खार है आपके ख्याल में, क्या मसला हमारे बहुत उनके साथ फड्डे क्यों होते हैं? एक्चुअली हमारे है ना, उनके सेल बड़े मिलते हैं आपस में है? वो लड़ाई वाले सेल नहीं होते, है ना। हाँ। वो ऑपोजिट ऑपोजिट पेशावर है ना, अफगानिस्तान, तो वो लड़ते भी पठान ही हैं, है ना। पंजाबी उनसे कोई नहीं लड़ता, उनकी आपस में ही खा रहा है, पश्तो में कोई पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। फिर कभी अफरीदी भाई समझा रहे होंगे उन्होंने जाके ना, उन्होंने तभी कर रहे होंगे साढ़े मुंडिया, और फिर नसीम भाई जो उनको लड़ जाते हैं हर दफा। ओ सॉरी, मैंने फिर ले लिया। ओ यार, एक मिनट कुड़ी जा पैनी जी, एक ब्रेक ले लो। ओके, हम ब्रेक से वापस आते हैं, देखते रहिए पब्लिक डिमांड एशिया कप स्पेशल गेम।
उठा दे एक चाहिए कप चाहिए और कप चाहिए चाहिए एक और एक चाहिए कप चाहिए और हम बेसब्र ना है तुझको खबर रख पिच पे नजर चल उड़ा दे जिगर के फिकटे गिरे तमाशा ऐप चाहिए कप चाहिए और तेरा मेरा ओके तेरा मेरा All right, ladies and gentlemen, welcome back to Public Demand Special Asia Cup का हम special हाँ क्या क्या देख से वापस भी ना आऊँ मैं एक बात मैं बहुत ऐसा overlap करूँगा कि कटे भी ना दिमाग में बहुत आया I love you आपके हाथों में जादू है आप पे तो इश्तिहार ही बनाता जादू है बहू के हाथ में वो ये नहीं थे बहू थोड़ी है वो मेरा सवाल ये किसी ने कहा आपसे आके कि ये हमको दे दे ठाकुर ऐसा कभी हुआ नहीं मांगा नहीं किसी ने नहीं आप उनसे जिन्होंने हाथ मांगा तो उन्होंने दे दिया है अब बहुत से हाथ है उनके पास अच्छा उनके एक ही हाथ है वो नहीं दे रहे किसी और को क्या करें मजबूरी दिया ना तो घर से ऐसा हाथ पड़ेगा तब 14 दबा के वो तो यहाँ से उतर जाना अच्छा सईद ने जितना छोटा जवाब दिया ना मैं समझ गई हूँ इनकी कोई इतनी अहमियत नहीं अच्छा ना मुझे वापस आने दिया ना मुझे स्लोगन बोलने दिया उन्होंने सवाल फंसा दिया बहुत जोर से आया था मेरे हक में भी तो कोई है ना हाँ कोई तो है उन्होंने इत्थे बिठा दिया तुम्हारे नाल बस ध्यान से देखें ध्यान से ज्यादा ज्यादा नहीं नजर ना लगे माशाल्लाह भी साथ कहा माशाल्लाह कहें बिल्कुल नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आप बात कर रहे थे कि ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर अगर आपको हाथ की जरूरत है तो मैं खारिज कर देता हूँ इनकी तो गोश्त की दुकान भी है ना माशाल्लाह जी जी बिल्कुल काट काट के हाथ बड़े हो गए इनके हमारी तो गोश्त की दुकान है ये तो लाहौर अक्सर आके गदा खाते हैं बहुत बहुत बुरी बात है यार मैंने एक दफा लगा मुझे खाया मेरी लड़ाई में दो लत्तियां मारनी शुरू हो गई मतलब कि उसका वो क्या टेस्ट था टेस्ट मतलब समझ मैं टेस्ट याद कर अगर आपको कैसे लगा फिर गधा था आपकी आवाज चेंज हो गई या कोई मतलब मैं निशानी बताया ना मैं भी ना खाऊं ना मैं यहाँ असल में हुआ ये था सईद भाई बेसिकली हुआ ये था कि अब ये घर गए हैं तो इन्होंने कहा कि मुझे खाली प्लॉट चाहिए मैं वहां पे लूटनियां करना चाहता हूँ अच्छा जी उर्वशी आप क्या कह रही हैं सईद साहब आपके पास नसीम का नंबर है ना लो हाँ लिख लो कैसे हेल्पलाइन दे दूं कि दूसरा दूं मन को उसके दो नंबर है एक हेल्पलाइन है एक पर्सनल नंबर चाहिए मुझे पर्सनल पूछ लूंगा मैं उससे पहले पर्सनल पहले पूछ लूं फिर मैं आपको पर्सनल अभी पूछे ना वैसे आप कितनी ट्वीट्स करती हैं ना आप उनकी हर कामयाबी पे आप आपकी क्या प्रेडिक्शन क्या है वैसे आप प्रेडिक्शन करती है ना प्लीज बताएं नसीम से मेरी मंगनी होगी कि नहीं तो सिद्धि मंगनी नहीं क्या इस्तगफार ए हो जी मिस वर्ल्ड उससे कोई चीज मांग ले आप मंगनी मांग रहे अच्छा जिस दिन नजर आ रहे हैं जिस दिन क्या कह रही है मंगनी दोनों नजर आ रहे हैं मुझे कार्ड्स में फेरे मंगनी दोनों गॉड सुनते हो गिरना जाना बाडरों पार दा नशा साडे ते न पा रही अच्छा जिस दिन मिस वर्ल्ड बनी ना उन्होंने 200 पकाने फड़ाए इन्हू जीतन तो बाद ओ इन्हू नाल ही ले गए आपके आपके फेरे जो है ना उसके साथ नहीं दुबई के दो फेरे हैं आपके बस वो लगाइए घर जाइए वो तो इन्होंने काफी लगाए अच्छा जो इंडिया पाकिस्तान आकर क्रिकेट नहीं खेलना चाहता ये एक बड़ा एक संजीदा इशू है और बड़ा दिल बर्दाश्ता भी है इसको कैसे देखते हैं आप देखिए अब ये चीजें खत्म हो जानी चाहिए है ना इनफ इज इनफ अगर हमने स्टैंड ना लिया तो ये लॉन्ग चलता रहेगा हमारे साथ और हमने हर टीम को यहाँ पे बुला के खिला लिया है बिल्कुल अब देखो वर्ल्ड क्लास टीम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड न्यूजीलैंड सब आ गए हैं पर व्हाई नॉट इंडिया अगर वो नहीं आ रहे तो व्हाई हम क्यों जा रहे हैं तो हमें भी इनकार करना चाहिए पर हमारा हाथ तो ऐसे है हर जगह तो ये वाला हाथ तो कुछ नहीं कर सकता ये वाला हाथ होना चाहिए यानी जिधर जिधर आई लगता है हम उधर ऐसे ही हैं वो IMF हो या ICC हो CNG चाहे वो आई वाला दूसरा हो IMF का मतलब है एक चार में फेल अफसोसनाक बात है ओके सईद भाई अब हम आपको कुछ तस्वीर दिखाएंगे और आपको वो गेस करनी है हम सब आपको क्यूज देंगे हम आपको सपोर्ट करेंगे और हम आपको हिंट्स देंगे कुछ और आपकी इंटेलिजेंस का इम्तिहान लेंगे हम आप एग्जैक्टली यस मैजिशियन बॉलिंग में था है ना क्या बात है बाद में ये आप ये कहा मुझे आपके कचीची आ गई है सुन के यार क्या दिन याद करवाते हैं आप कसम से जब आप लोग ग्राउंड में होते हैं आपको एहसास होता है हम पे क्या बीत रही होती है वैसे जी आपको एहसास होता है जो हमारे पर वो प्रेशर अलग है वैसे ग्राउंड का प्रेशर अलग है ओके सो पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पे रहेगी ऑडियंस की और वो होगी ये पहला हिंट आपको ये है कि वो कोई भी अदा नहीं कर पा रहा पहला हिंट कोई भी अदा नहीं कर पा रहा दूसरा हिंट शकील भाई दूसरा हिंट ये है कि
कोई अपने बुंदे बेच के आ जाकर या कोई मोटरसाइकिल बेच के। पर ये ऐसी शख्सियत है कि आप घर पे ना भी हो तो दरवाजे के नीचे से अंदर आ जाते। ये आपने क्या कहा दोबारा बोले? मुंडे बेच के कोई मोटरसाइकिल बेच के आ जाते। मुंडे बेच के नहीं, बिजली का बिल है? सही है, ओके, हाँ, बिजली का बिल। और ये तो अभी ये तो करंट है ना, ये तो करंट जी। बेचारे के वाली नहीं आए, मुंह लटका के बैठ गया। अच्छा, उसने उसने बड़ी मुश्किल से अपना हिंट याद किया हुआ था। सॉरी जॉन सर, आजकल हर शहर में लोग इसे जला रहे हैं। कैब दिया, फिर भी हिंट दे दिया बताने के बाद भी इतने अकलमंद माशाल्लाह। मुझे पता है। ओके, सईद भाई की जीत पे खंडू मियां लगे ठेका। ये जो मैंने बुझा, ये करंट अफेयर था ना, इसलिए पता चल गया। ये हां बिल्कुल। अच्छा मोहसिन, ये सेगमेंट तो होता रहेगा, इनकी सीट बदल सकती है? क्यों? इन्हां दी वजह तो मक्खियां मेरे ते भी बह रही है। देखो कभी कभी मिठाई पे बैठती है, कभी कभी समझ जाओ। ओके 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 ओके, वो वहां से होके आ रही है, दूर दूर बला दे के आ रही है। ओके, नेक्स्ट पिक्चर आपकी टीवी स्क्रीन पर रही ये। सर भाई, अगली पिक्चर है उसका पहला हिंट ये है कि वो तो अब सूंघने को भी मयसर नहीं, इतना महंगा हो गया। अगला हिंट देंगे शकील भाई। सूंघने को मयसर नहीं, कान में बताओ, ये तो हमें नहीं बचा। हाँ, ये इतना महंगा हो गया कि कोई खुदकशी करे ना तो फिर भी मुयस्सर नहीं है। अच्छा आप फैसलाबाद से है ना सईद, तो पंजाबी में समझाऊं, ये वो है जिन सियाने कहते हैं टूटे छितर वांगू बदी जा रहे हैं। जॉन से इतना महंगा हो गया अब तो कानों में डालने के लिए भी नहीं मिलता। आपको कोई हिंट इसके बारे में? मेरा तो हर हिंट नसीम की तरफ जा रहा है। मेरे खुदा यार, ये इनका नूनाल नुक्ता कटो। सीम मेरे को वो सीम कर रहा है सर। थोड़ा सा भी अगर सस्ता होता ना तो मैं इन्हें पा देना सी। समझ रहे हो तुसी? लगता है अब सब लोग वही बात कर रहे हैं जो हम सोच रहे हैं। पेट्रोल तो नहीं? यस इट इज। यस, ये बात। परफेक्ट, बहुत आला, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप तो यहां पे भी मैजिशियन साबित हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज आपकी टीवी स्क्रीन पर और हमारे यहां ये। मैं अभी कमा के आया हूं अमेरिका से। अच्छा, इससे बड़ा हिंट नहीं हो सकता था वैसे। अभी अभी चार दिन पहले आपने देना है हिंट? यस, देना है। इसके वजह से ना रुपया बहुत नीचे गिरता जा रहा है, कच्ची लस्सी की तरह बढ़ता जा रहा है। हर सियासतदान चाहता है कि मैं ये इकट्ठे कर लूं। अगर आप मुझे नसीम का नंबर दे दे तो मैं लुटा दूं। आप पैसा नहीं लुटा देगी, इसके पास बहुत है, इसके पास बहुत है। अच्छा, ये वही है जो हमारे मुल्क में बहुत कम है? नहीं, हमारे मुल्क में अशराफिया के पास बहुत है। अच्छा अच्छा, ये वो है जिसके ऊपर चहत फतेह अली खान की तस्वीर बनी है। डॉलर डॉलर। भाई अब अगला जो है ना वो हम बचपन में खेलते थे ना, नामचीज जगह से खेला होगा आपने भी, नामचीज जगह खेलते थे, उसमें हिंट होते थे कसौटी टाइप का। अब आपका हम आपको एक इलाका बुझवाने लगे, वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है लिखा, लेकिन हम आपको बुझवाएंगे। इलाका हमारे शहर का है, ये सबसे बड़ा हिंट है उसका। अच्छा, पहुंचो हौली हौली पहुंचो। यस मैम। देखिए, हर इलाके की कोई ना कोई चीज मशहूर होती है, उधर की मशहूर है। फर्ज करें रिक्शे वाले को भी कहा है ना भाई घंटा कर जाना, कहना की गल बिरे उ तेरा मुंह हे गए जाना। बहुत फिटे मुंह बेटा की लैन जाना। जी मियां दा साहब, अमेरिका में है ना व्हाइट हाउस, ये है माई हाउस। माई कैसा हिट देता है? सच फॉल जोन सर, जुगतों का कारखाना लगता है। हाँ, ये भी अच्छा, ये अच्छा हिट है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पास पहुंचे पहुंचे दोस्तों दोस्तों। ये बोले थी चुकी थे नहीं माई दे चुकी मैं माई डियर हूं। बंदा माई की झुकी जाए ना, वेख दे बहुत फिटे मुंह लगता है, तल के जनाजा दफनाया। जवेद भाई फैसलाबाद जाते थे, उन्होंने पूछते थे कि कच्ची बस्ती कितने, माई कहती टक्कर मार के देख ला। हमें तो जुगतों का पता नहीं, हम जो आपको तो पता नहीं, हम जो पहले लिखे लोग हैं। जी 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 जी, उसी तरह आप वलायती झुकते मैं। ओके, अगली तस्वीर जो है वो एक बड़े लेजेंडरी शख्सियत की है सईद भाई, और मैं आपको हिंट ऐसे देता हूं उनका कि यूं जो तकता है आसमान को तू,
कोई रहता है आसमान में क्या? ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता? एक ही शख्स था जहान में क्या? वाह वाह वाह। दूसरा हिंट है कि मुझसे मिलने आए हो, ऐसे बे में बुला के ले आना। यार ये कौन सा शेर है? ये कौन सा हिंट? ये तो कोई शेर, मैं माफी मांगता हूँ इसके लिए। ये लामा इकबाल का हिंट क्यों दे रहे हैं मुझे? ये जो है ना शायरों के साबरी कव्वाल है। कैसे कैसे हिंट देना जरा? साबरी कव्वाल है ना, और वो ये जो बोलते रहते हैं ना सेकंड सेकंड बाद, वो उनके नाम में आता है। मेरे ख्याल है इनका शेर सुन के जॉन निकल जाती है। ये अच्छा था, ये अच्छा हिंट था, ये बहुत आला हिंट है। जॉन निकल जाती है उनकी। कमाल साहिद भाई शायर हैं और जॉन निकल जाती है, समझिए कि शायरों के आलम लोहार हैं। जस्ट वो समझिए। कमाल साहिद भाई, साहिद भाई कमाल। पीछे को बाल ज्यादा, आगे हल्के से चाहत फतेह अली खान। तो फिर चाहत फतेह अली खान तो नहीं? वो नहीं, ये तो बहुत बड़े आदमी है, इनको कुछ कह भी नहीं सकते। नहीं, 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 और चोरी चोरी पढ़ रहे ना, पीछे करो। ओके नहीं ना, शायद है, जज्बाती है थोड़े से। जॉन एलिया साहब, मैंने आपको कहा जॉन जॉन ही करते रहते हैं। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चले जॉन एलिया साहब। हर एक बात का जवाब भी नहीं, नजर नजर लग जाती है। ठीक किया। हाँ, वैसे इतना अच्छा ना खेले आप, आपको आपको वैसे भी बहुत नजर लगती है। मैं तो सिर्फ मैच विनर हूँ, मैन ऑफ द मैच मुझे कभी नहीं मिला है। मैंने छह मैच विनिंग तो मैंने दे दी है ना, मैच विनिंग दे दी आपने, पूरा संभाला आपने सेगमेंट। ओके, अगर ऐसे भी छह गेंदे होती है, एक आध वाइड हो जाती है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वन आपकी टीवी स्क्रीन पर है और हमारे पास है। इनको बिल्ली के नाम से भी याद किया जाता है, एक्ट्रेस है लेकिन इनको बिल्ली भी कहते हैं। अच्छा, काटती भी है? काटती है सिर्फ बड़ी स्क्रीन में। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जी। देखिए मेरी कितनी हयात हो गई आपसे बात करके। इनका इंडिया जो है ना मोहल्ले में वाहियात मशहूर है, वो दूसरी ही मशहूर है। लगता है जॉनसन ने बिटॉक्स भी करवाया है, और अक्सर ये नामालूम अफराद के साथ दिखती है। आपने क्या था? वाहियात। ये वाहियात जो मोहल्ले में वो अलग से है। अच्छा, मैं अच्छा हुआ इन्होंने बूझ लिया, नहीं तो मैंने बताना था खलील उर रहमान कमर अपने स्क्रिप्ट में हर दफा जिसे यंग दिखाते हैं। इस बात पे वो इसके बाल नोच लेगी। नहीं, बहुत बड़ी बात है। आपने बहुत अच्छा खेला सईद भाई ने, बहुत अच्छा खेला भाई, एक बार इनके लिए बहुत बड़ा। और छह की छह गेंदे इन्होंने बहुत परफेक्टली खेली, एक आध तो हो जाती है भाई। कोई बात, छक्का पड़ ही जाता है कोई। छक्का नहीं, नहीं छक्का नहीं आपने, छक्का नहीं आपने खाया, हम आपको छक्का पड़ने भी नहीं देंगे। और लेट्स एंड जेंटलमैन कीप वाचिंग पब्लिक डिमांड एशिया कप स्पेशल गेम। नहीं उठा दे, उठा दे। चाहिए चाहिए एक और एक चाहिए, कब चाहिए और हम बेसबर ना है तुझको खबर रख, पिच पे नजर चल उड़ा दे जिगर के विकेटें गिरें गिरें फिल फॉर, कब चाहिए चाहिए एक और एक चाहिए, कब चाहिए और तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा रिश्ता है बड़ा वाइटल, 1992 में उठाया था टाइटल, बात पुरानी फिर से है दोहरानी और सबको सुनानी। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड ऑन पब्लिक न्यूज, स्पेशल ट्रांसमिशन है ये एशिया कप की। उठा दे की मैं याद कर रहा हूं। ये बॉल नहीं उठानी, गेम उठानी है। गेम सिर्फ उठानी है, तो किसी ने कोई शय नहीं उठानी। हाँ, सब गिन के रखी हुई है। हाँ, गिन के रखी है। इनकी जो तलाशी भी लेनी है अब हम। जी जी, इनकी तलाशी भी लेनी जाते हैं। जी बिल्कुल, इनकी तलाशी लेंगे। वेस्टकोट पहनी है ना सईद भाई। हम सबसे पहले तो मादा से प्रेडिक्शंस करवाते हैं, उसके बाद हम आपके साथ गेम खेलने वाले हैं। मादा, आपने आज के जो अब मैच में तो चले, आज हमारा पहला शो है चुके, लेकिन प्रेडिक्शन मेरी ठीक हुई है। अच्छा, आपने घर बैठे कर दी थी? हाँ जी। क्या किया? पाकिस्तान की थी। तो ये तो वैसे एक ऐसी प्रेडिक्शन थी, तो सारी कर रहे थे इंडिया के खिलाफ। क्या बने? हाँ, अभी इंडिया का टाइम, इंडिया की बारी पे हम। हाँ, उसमें आप बहुत एक्साइटमेंट ले लेते हैं। हम बहुत एक्साइटेड हैं उसके लिए। देखो जी, चंडे भी तभी लाएंगे नालू नाल। वी आर सो एक्साइटेड। ये ना लड़ पड़ना बच्चे। जी, okay, आपको so क्या लगता है कि कल का मैच? टुमारो इंशाल्लाह श्रीलंका हैज बेटर चांसेस फॉर विनिंग। श्रीलंका अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स। ओके, अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स श्रीलंका जीत जाएगा कल। बाजी, आप भी प्रेडिक्शन करेंगे ताकि हम कल सारे फिर करेंगे जरा के। हां, श्रीलंका फेवरेट। श्रीलंका इट इज। बस ठीक है, पता नहीं, मैंने तो ध्यान मादा की तरफ है ज्यादा। मादा से मुझे याद है, मादा सिगरेट है तुम्हारे पास? इन बातों का कोई मादा है? तुम में मादा है तो बात करो।
मेरे ख्याल में जो है ना, मेरा जो ख्याल है ना, वो बांग्लादेश जीते। अच्छा, वैसे एक बात है कि इंजी भाई हमेशा से बहुत मादा आदमी रहे हैं ना। नहीं, इनकी दूर की नजर तेज है। मतलब और मैं दूर की नजर देख। अच्छा, कल की प्रेडिक्शन करें ना कल, ताकि मैं आपको जलील कर सकूं अगर आपके गलत हो तो। मैंने प्रेडिक्शन नहीं की, मैंने कहा फेवरेट है। फेवरेट, ओके ओके, ठीक है। बांग्लादेश, बांग्लादेश। अच्छा, हमारी प्रेडिक्शन की इतनी कोई अहमियत नहीं है मेरी जान। आपकी अपनी भी नहीं है? नहीं, मुझे लगता है ये मेरे मोहल्ले में भी फिरता है। ऐसी रिपोर्टें तो वहीं से निकलती हैं। अब तुमने बदला लेना है? हाँ जी, बाल उतार के अपनी टिंड दिखा दो। नहीं, असल में भी टिंड नहीं आंकी। ओके, सो ठीक है, हम श्रीलंका की तरफ, हमारे वोट सबके ज्यादा है। वैसे बांग्लादेश किसी एक ने कहा है ना, आपने बांग्लादेश कहा ना। लो भाई, कल का शो जरूर देखना आपने, कल की लाइव ट्रांसमिशन। मैं दो दो कर लेते हैं यार, क्या है ना। चलो, लेकिन बांग्लादेश जो इन्होंने कहा है ना, बांग्लादेश जीत गया, बड़ा मजा आएगा मुझे। बांग्लादेश अगर हारा ना, कल मेरे को यहाँ देखो, फरार हो जाएंगे, है ना। ओके, सो सईद भाई, आपका चूंकि दूसरा मशहूर जमाना, दूसरा जिसकी वजह से आपको मैजिशियन का एक खिताब मिला, वो बहुत मशहूर है और हम सब उसके फैन हैं, दीवाने हैं, दीवानगी की हद तक उसके फैन हैं। यानी क्रिकेट की दुनिया में इनका दूसरा मशहूर है तो पहला भी नहीं मशहूर। मेरा पहला वाकई नहीं सी मशहूर, मैं फिर वो छड़ के दूजा कीता। शुक्र है, शो की बात कर रहे हैं, शो की। जो ये पहला शो करते थे वो मशहूर नहीं था, जो दूसरा कर रहे हैं ना अब, ये वो मशहूर है। कैसा कैसा क्रॉस प्रमोशन, जो मर्जी को लोग समझ गए। तो आपके उस दूसरा के नाम पर हमने अपने सेगमेंट का नाम भी रखा है और उसमें हम आपको कुछ तस्वीर दिखाएंगे और आपको गेस करना है कि दूसरा प्लेयर कौन है उस तस्वीर में। वो आप तैयार हैं? सही भाई, ये तस्वीर है, आप लोग भी देख लें गौर से। ये तस्वीर है, इसके पीछे ही सही वाली तस्वीर है, लेकिन वो भी दिखाऊंगा मैं आपको बाद में। सही भाई, आप गौर से देखें, आपको क्या लगता है कि एक तो है शुएब मलिक साहब, कीपिंग पैड पहने हुए, कीपिंग पैड पहने, बिल्कुल एमएस धोनी। ये भी कह रहे थे मेरी धोनी में दर्द हो रही है। कौनी में कैसे भी हालात, मैंने सेंसर किया। अच्छा, ये धोनी को प्यार से बच्चे बैली बटन भी कहते हैं ना। अच्छा, मैं पहली सवा बने यार, दूसरी भी कहती है ना। हर घर में धोनी पड़ती है। मैं आपको बहुत धोनी है अभी, अगर आप लोग पास ना है। सईद भाई, अगली पिक्चर ये है, एक तो हमारे मशहूर जमाना लेजेंडरी लाला शाहिद आफरीदी साहब है और दूसरे कौन है आपके ख्याल में? दूसरा आइटम, मैं एक्चुअली ग्लव्स देख रहा हूँ और ये बैट एडिडास देख रहा हूँ, कौन सा बैट, कौन प्लेयर यूज करते थे? कम ऑन, आई थिंक सचिन। यार ये क्या बात है, बहुत आला, बहुत आला। ये तो मेमोरी है ना, याद है नहीं। आपने सचिन का कह के बिल्कुल सचिन बोला, शाबाश। अच्छा, अगली पिक्चर जो है ना, ये भी एक बहुत बढ़िया और यादगार पिक्चर है, ये बड़ा एक मशहूर जमाना फड्डा, एक लाला के साथ हाथ में किसके वो होता है, टैटूज, विराट कोहली। टैटूज है, विराट कोहली इट इज। वेरी गुड, वेल प्लेड। अनुष्का इसकी वाइफ है ना जी, बहुत जेलस होती हूँ मैं इस बात। क्यों? अनुष्का को नहीं होना चाहिए था। किसको होना चाहिए? कर लेंदी वेली बैठी। ओ नसीम दे मगर होनी लेंदी। ए दे नसीमा जो नहीं हैगा। अभी प्रेडिक्शन किया उन्होंने, मंगनी भी और फेरे भी, मंगनी भी और फेरे भी। जी जी, बहुत मुबारक हो आपको एडवांस में। आखिरी वो हर मुल्क में फेरे फेरे फेरे, गली गली फेरे ने। अगली पिक्चर सईद भाई, लास्ट पिक्चर ये है, एक मिनट मुझे दिखाएं। शुएब मलिक साहब है और साथ में कौन है आपके ख्याल? उसके भी टैटू बना, शेखर धवन। यार ऐसे इतना थोड़ी अच्छा गेस करता है कोई, शेखर धवन हटे यार, बचाओ यार, लगाओ ठेका। बहुत आला, बहुत आला। आप लोग कुछ सवाल करना चाहते हैं जॉनसन अंकल? हाँ, मेरा सवाल ये है, पढ़ के कर रहे चीटर, 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 मैं घर से लेके लाया हूँ ना यार, आजकल दिमाग काम नहीं कर रहा है, उम्र हो गई है ना। तो ये बताइए, जब टूर पे सब बेगम साथ जाती थी तो प्रेशर दूसरी टीम का होता था या बेगम का होता था? एक्चुअली दो दो मैच तो बंदा नहीं खेल सकता ना, तो बेगम का ही प्रेशर ज्यादा होता है। अच्छा, क्रिकेट की दुनिया में वाकई आपका दूसरा मशहूर हुआ, रियल जिंदगी में कोई दूसरा मशहूर नहीं हुआ? जी, मेरा दूसरा बेटा है। माशाल्लाह भाई, इतना अच्छा कवर करते नहीं देखा मैंने आज तक किसी को। सारी रिसर्च एगी मशहूर, तीसरा है, हमें दूसरे थे ना पाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा भी एक सवाल लेते जाए, माफ करो, नहीं उनके पास कुछ नहीं। नहीं, पूछे, पूछे। दुआ कर लें, दुआ कर लें। हाँ, पूछे, पूछे। क्या मतलब? मेरे अलावा टीम में किसकी इंग्लिश से आप मुतासिर हैं? उमर अकमल की। वेरी गुड।
मतलब वो इनसे बहुत आला भाई, बहुत आला। उमर अकमल इनसे भी अच्छा है जी, थोड़ा थोड़ा बेहतर। अच्छा ये बताइए, शोएब अख्तर का रनर इतना लंबा है, ये बातें ही है सिर्फ? आपने तो करीब से देखा हुआ है। नहीं, उनका तो वाकई है ना, बहुत ही तवील रनर, मगर भाई का काफी लंबा था। और जब वो भागते थे ना, उनका शूज जो है ना वो स्पेशल ऑस्ट्रेलिया से बन के आता था, क्योंकि उनका फुट जब लैंड करता था तो ऐसे ऐसे होता था, उसका कुशन इतना मोटा, इतने वो पेस बॉलर के लिए काफी मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। और विकेट आपको पता काफी हार्ड होती है, तो उस पर लैंड करके 160 की स्पीड पे फेंकना, अल्लाह, ये पाकिस्तानी बॉलरों का ही कमाल। क्या बात है, बहुत भागते हैं भाई, वो दही मंगाओ लस्सी लेके आता है वो। और रास्ते में बन जाती है। नहीं, मैं लेट हो जाते हैं। मैंने शोएब भाई के साथ बल्कि एक ट्रिप भी किया था लंदन का, शोएब अख्तर साहब के साथ, तो वहां पे बड़े किस्से सुनाए, फिर उन्होंने बड़ी इंजरी उनको रही हैं। किस्से उनके पास काफी हैं। किस्से बहुत है उनके पास जो सुनाने वाले हैं, ऑनर नहीं वैसे। लेकिन वो इंजेक्ट करके और वो प्रॉपर, वो जितनी उनको इंजरीज रही हैं, और एक बार तो बल्कि उन्होंने बताया कि उनकी पसली टूट गई थी बॉल करते हुए, वो क्या किस्सा है, आपको पता है उसका? नहीं, मुझे नहीं पता, बट यह कि देखो फास्ट बॉलर हैं और स्पीड इतनी है, और yes. भागना भी, वो जाके बाउंड्री के पास उन्होंने 6 बॉल करने हैं तो अगले के लिए भी 3 मिनट ले जाते थे साथ, उसको ये होता है जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, उनका टाइम हमने कवर करना होता है, तो मुश्किल तो है। अब जैसे मोहम्मद इरफान है, देखने में तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है ना, लग रहा है आपको, उनकी हाइट का उनको इतना लॉस था कि उनको हमें रेस्ट देना पड़ता था, ओके, बॉडी के अंदर जान नहीं होती, बिग जो बड़ा लंबा बंदा होता है ना, उसकी टांगे इतनी मजबूत नहीं होती, उसके लिए एक्सरसाइज पता नहीं क्या क्या, वो ट्रेनर्स ने जो कुछ करवाया, डॉक्टर ने जो कुछ किया, ये उसके बाद जाकर उसने बॉलिंग की। ओके चलें, हम जाते जाते आखिरी लम्हों में एक रैपिड फायर खेलते हैं आपसे, जल्दी अभी फायर करना है अपने, थोड़ा छोटे 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 फायर करूंगा, छोटे छोटे छोटे। ऑफ स्पिन का मेहदी हसन कौन है? मेहदी आपके अलावा? मेरे अलावा? हमारे हमारे लिए तो आप है सैकी भाई। यस, ये बात यार मेरे बहुत फेवरेट है सैकी भाई भी, क्या बात है, क्या बात सैकी का स्टाइल, आपका बोल धीरे से बोल करना और मतलब मास्टर, क्या बात है, क्या बात है। ओके, रिवर्स स्विंग का नुसरत फतेह अली खान कौन है? विक्की भाई। वो यस, यॉर्कर्स कौन भूल सकता है उनके, वाओ। लेग स्पिन में नूर जहां का मकाम किसको हासिल? ओए होए, ये लेजेंड अब्दुल कादिर साहब, ये है बात, गुगली उन्होंने पहले, सबसे पहले याद उन्होंने की, वाओ वाओ वाओ। शेन वॉन भी उनकी वीडियोस देखा करते थे, बिल्कुल, और मुशी भाई भी ऑफ कोर्स हमारे, तो सुना आप शादी की वीडियो देख के जाते हैं मैच खेलने कि या अल्लाह जीत जावा नहीं तो लोगों की खैर है, इन्हें मैंने बड़ा बिस्ट कर। बैटिंग का शाहरुख खान कौन? मिसबाह। ऐसे कैसे, मतलब वो क्रीज पे ही खड़ा रहता था ना, चार घंटे लंबी नहीं, शाहरुख खान की तरह लंबी इनिंग्स खेलते हैं। फिर आपको तौकीर नासर कहना चाहिए था, एडे लंबे पोजेस। स्पीड का माइकल जैक्सन किसको कहेंगे आप? ऑफ कोर्स शोएब अख्तर। ओके, पुल शॉट का सुल्तान रही कौन है आपके ख्याल में? पाकिस्तानी और ब्रॉड, कोई भी हो सकता है। रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग, वो पुल बहुत अच्छा खेलते हैं ना, उनकी पुल बहुत अच्छी थी। ब्रायन लारा साहब का पुल भी अच्छा था, बट रिकी पॉन्टिंग, रिकी पॉन्टिंग और बहुत अच्छा पुल खेलते हैं, ये पुल पे बहुत अच्छे खड़े होते हैं, नहर वाले, ये अपने आप को पुल कर लेते हैं। अपने आप को पुल कर लेते हैं, वही बड़ी गल है। रन आउट और रन से सबसे ज्यादा आउट हुए हैं, और इनके शहर मुल्तान, रन आउट से मैंने कहा इनके शहर मुल्तान में इतने पुल बन चुके हैं, अब तो ये देख के कहते हैं पुल दा पला पुल नहीं है। स्वीप शॉट का दिलीप कुमार कौन? यूनुस खान। आए क्या बात है, बहुत आला। मैं अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आपने तो बहुत ही करीब से देखा, मेरा भी इत्तेफाक है यूनुस भाई को, मैं मेरी जिम में वो वर्कआउट करते हैं साथ, मैं जब भी 2 घंटे वर्कआउट करूं, मैं जब पलट के देखता हूं वो भाग रहे होते हैं ट्रेडमिल पे, इतना स्टैमिना है उनका, मैं कहता हूं हमें शर्मिंदा करने आते हैं जिम में, मगर हार्ड वर्कर। ये शुक्र है ट्रेडमिल पे भागते हैं, जिम्मेदारियों से नहीं भागते, रोजाना नाश्ते में पराठा खाते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल फिट है, है ना? वो क्योंकि वो निकालते हैं, निकालते बर्न करते हैं वो, एग्जैक्टली यस। गूगली का आर्नल्ड गुलाम अली खान कौन है? गूगली तो ऑफ कोर्स कादर भाई है ना, हमने इजाद की है, हमने इजाद किया और वही है। यस प्लीज, कादर भाई के लिए बहुत सारी तालियां, दुआ। ओके, अब जाते जाते स्विंग का मार्लन ब्रांडो कौन है? वसीम अकरम। याद मुझे जोरदार, वसीम भाई का मैं इतना इतना बड़ा फैन हूं, वसीम भाई को मैं इतना कॉपी भी करता था ना, मैं मुझे लगता था कि जैसे इनके यहाँ पे लाइंस पड़ती हैं मेरे भी पड़ती हैं, तो मैं भी आउट करके ना बड़ा एक्शन वही करता सी। मेरे क्या आ जाते, मैं खेल रहा हूं कुछ ज्यादा नहीं, यार ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन आई लाइक इट एज अ फैन, आई लाइक इट। जाहिर है अगर आप उन्हें कॉपी करते थे तो आज भुगत भी तो रहे हो ना।
मैं एक अच्छे मकान पे हूँ। अच्छा, इसका मतलब का बिग बी कौन है? अच्छे मकान पे? हाँ, अच्छे मकान पे अल्हम्दुलिल्लाह। दस मरले यॉर्कर का बिग बी कौन है? यॉर्कर अभी शाहीन। शाहीन चौधरी, ये बात। लेडीज एंड जेंटलमैन, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप जाते जाते सही भाई, आपके लिए हम एक टप्पा, एक माइया गाएंगे, आपकी नजर करेंगे, और आप चूंकि फैसलाबाद से हैं तो तुम्हें पता है कान से कान ते सुरीले ने तुम्हारे तो कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। कान के सुरीले? हाँ हाँ, कान से दो गाने सुना दो। मैंने गाने सुनाने वाले नहीं, सुनने वाले। अच्छा, वे माइया तेरे वेखण नू, जरा मैं एक माइया ले आया जी। ओ कोई सुथरी मलमल वे, ओ कोई सुथरी मलमल वे, इको जादू कर स्विंगदा है, ओ सही दजमल वे, ओए ओ सही दजमल वे, ओ कोई औखे खर्चे ने आए, कोई औखे खर्चे ने हाले भी करे कट चे, एदे नाम दे चर्चे ने, ओए नाम दे चर्चे ने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप लोगों से हम कल मुलाकात करेंगे एक बार फिर से पब्लिक मान के इस स्पेशल ट्रांसमिशन में, जो एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन आपके साथ जारी रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया, और आपने प्रेडिक्शन की है श्रीलंका जीतेगा, देखते हैं कि आपके प्रेडिक्शन क्या किया। उन्होंने सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, उन्होंने पूरा सफर की तरह पैंडा कटे हैं उन्होंने, इंडिया तो इतने तक था, जाते जाते नंबर देखे, नंबर आपको हम ऑफर दे देंगे, बाकी रुक जा के कल आपकी नंबर पर्सनल फोन नंबर। अच्छा, फोन सॉरी, ये शाह साहब से क्यों मिलना चाहते, तावीज लेना चाहते? जॉनसा साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मियादा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बाजी थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। तुसी कल कल के शो में आपकी मोहब्बत का हल निकल आएगा, कैसे असी तेरा रोल ही बदल देना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, टेक केयर, देखते रहिए पब्लिक डिमांड गेम। चाहिए कब चाहिए और